हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में। काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिला है इस काउंटर पे। 2018 में जो हाई था 168 के आसपास, आज वो ट्रेड कर रहा है 48.05 पे। अगर आपके पास होल्डिंग है ऊपर की तरफ और आपको एवरेज करना है ये स्टॉक, तो थोड़ा रुक के एवरेज करें। एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो करें। अगर आपको 100 शेयर्स ऐड करने हैं तो 100 एक साथ ऐड मत करें। अभी जो करेंट प्राइस है उस पर आप 10% ऐड कर सकते हैं, यानी कि 10 शेयर एज एन एग्जांपल। ये जो 40 का रेंज है, यहाँ पे एक बार आ सकता है ये स्टॉक, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स भी मोस्ट लाइकली नेगेटिव होने वाले हैं ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से। कोरोना वायरस का इम्पैक्ट भी आप कह सकते हैं उसे। तो ये एक रेंज होगा जहाँ पे आप बाकी और 20% ऐड करें, यानी कि टोटल 30%। उसके नीचे अगर कहीं भी जाता है तो फिर रुकें, क्योंकि उसके नीचे सपोर्ट 27 के आसपास चले जाएगा। बट ये 40 का जो रेंज है, ये मेरे हिसाब से अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है अशोक लेलैंड के लिए। फ़िलहाल 48 पे ट्रेड कर रहा है। छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कीजिए 10%, और अगर 40 के आसपास आता है तो 20-30% ऐड कीजिए, तो आपका एवरेज काफ़ी नीचे आ जाएगा। अगर थोड़ा भी बाउंस बैक मिलता है तो आप वहाँ पे और 10% ऐड कर सकते हैं, तो आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो होल्डिंग है उसका एवरेज काफ़ी नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ से 80 रुपीज़ के आसपास भी ये स्टॉक वापस जाता है, 80-85, तो आप अपना लॉस कवर कर सकते हैं अशोक लेलैंड में। उसी हिसाब से अपना पोर्टफोलियो प्लान कीजिए। फिलहाल के लिए 40 एक इमीडिएट सपोर्ट है और मोस्ट लाइकली ये टच होने की संभावना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।